आज तुम्हें क्या हो गया है श्रेया? हेलो, आज मेरे से थोड़ा सर्दी हो गया। सर्दी हो गया? अच्छा, आज तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। शर्मा रही हो क्या? तो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी खिचड़ी। इसके बाद मैंने डाला इसमें मस्टर्ड सीड्स, जिसको काली सरसों बोलते हैं। इसके बाद मैंने ग्रीन चिलीज ली है, उसको मैंने थोड़ा सा काट लिया है। और उसके बाद हम ग्रीन चिलीज इसके अंदर डालेंगे और फिर इसमें हमने कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। अच्छे से कड़ी पत्ता डालिए और फिर इसको हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें कटा हुआ प्याज और फिर अच्छे से सॉटे कर लेंगे प्याज को। सॉटे करने के बाद प्याज को उसके बाद हमने डाला है टोमेटो। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे कुछ। पहले हमने सॉल्ट डाला है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप अपना सॉल्ट डाल सकते हैं, जितना सॉल्ट चाहिए खिचड़ी में। तो अभी हम डालेंगे इसमें कोरिएंडर पाउडर। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर। इसके बाद हम डालेंगे हल्दी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे साबर मसाला। इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी आपकी खिचड़ी, प्लीज़ आप ये ज़रूर डालें। अभी हम इसको अच्छे से, सारे मसालों को अच्छे से सॉटे कर लेंगे। तो इसमें मैंने तीन तरह की दाल और चावल भिगो के रखे, तो अरहर दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल और उसके साथ चावल मैंने साथ में भिगो के रखे थे। तो अभी हम इसको डालेंगे कुकर में। तो अभी हम इसको बहुत अच्छे से मिला देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी हम इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 2 कप। देखिए मेरा कप जो है वो बड़ा है, तो इस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा कप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं। यहाँ 4 लोगों के लिए बन रहा है, तो उसी हिसाब से मैंने क्वांटिटी ली है। तो अभी हम कुकर को अच्छे से बंद कर देंगे और जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम पे रखेंगे। तो 4 सीटी आएगी, 4 सीटी आने के बाद आपकी जो खिचड़ी है वो एकदम रेडी हो जाएगी। नमस्ते, नमस्कार, होला, हेलो, जो हो गया ना को। तो गाइस आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइस देखिए, यहाँ पर दीदी ने खिचड़ी बना दी है और यहाँ पर चटनी भी है, साथ में चटनी भी है। तो मम्मी जी बता दीजिए कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी बना है, आप लोग जरूर बनाइएगा इस खिचड़ी को।